अभी चालू हो गया ना? हाँ हाँ सर, ठीक है, वेक्टर स्टार्ट करते हैं अभी अपन। वेक्टर क्या चीज होता है? देखिए, आपने बहुत बार ऐसा वर्ड सुना होगा कि वेक्टर कैसे क्वांटिटी होती है। वेक्टर इज ए क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ऐसे वर्ड्स आपने सुने हैं ना? यस सर। तो कोई आपने से बता सकता है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए वी रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ, जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, राइट? यस सर। ठीक है ना, जैसे कि अपन ये बात करें कि बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी है जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं ये बोलूँ कि मुझे दिल्ली से मुझे कलकत्ता जाना है, ठीक है ना, और मेरे पास अपना एक हेलीकॉप्टर है, जैसे चॉपर भी बोल सकते हो आप, और मैं आपसे पूछूं कि यार मेरे को दिल्ली से कलकत्ता जाना है, तो तुम बोलोगे यार एक काम कर, तू अपना चॉपर लेके और 1400 किलोमीटर चला जा, तो कलकत्ता पहुंच जाएगा। क्या आपने मेरे को पूरी इंफॉर्मेशन दे दी कलकत्ता जाने के लिए? नो सर, डायरेक्शन नहीं बताया। डायरेक्शन नहीं बताया है ना, कि मैं अपना चॉपर लेके 1400 किलोमीटर किस डायरेक्शन में जाऊं? अगर मैं इधर चला गया तो हो सकता है पाकिस्तान पहुंच जाऊं, मेरे को मार देंगे लोग। तो आपको डायरेक्शन मेरे को बताना पड़ेगा कि 1400 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चला जाए तो तू कलकत्ता पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट, इसलिए कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, जिसको डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी डिफाइन करना पड़ेगा, इवन आपको डायरेक्शन भी डिफाइन करनी पड़ेगी कि इस डायरेक्शन में 1400 किलोमीटर। तो ये दिल्ली से कलकत्ता तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ में आ रही है बात? आपकी आवाज, यस सर, अभी आवाज आ रही है पूरी? हां सर, आ रही है सर, आ रही है, आ रही है, नहीं कट। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, जिसके लिए आपको मैग्नीट्यूड भी डिफाइन करना पड़ा, इवन डायरेक्शन भी डिफाइन करनी पड़ी। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि बता बेटा तेरा मास कितना है, ठीक है, तुम्हारा मास कितना है, तो तुम में से कोई आंसर देगा कि सर मेरा मास जो है वो 55 केजी है। क्या कोई ये बोलेगा सर मेरा मास 55 केजी है ईस्ट डायरेक्शन में? नो सर, ऐसा कोई नहीं बोला तो मूर्खी है। यहाँ पे आपको मास अगर मैं पूछ रहा हूँ तो उसके लिए आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, जबकि दिल्ली से कलकत्ता जाने के लिए आपको डायरेक्शन बतानी जरूरी है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसको डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है और डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, लेकिन मास को डिफाइन करने के लिए आपको केवल और केवल मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है, इसलिए मास एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ रही है बात? यस यस सर। किसी को दिक्कत है? चलिए वेक्टर क्वांटिटी में लिख लीजिए, द फिजिकल क्वांटिटीज The physical quantities which requires magnitude as well as direction to define completely. ठीक है बेटा, ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, which requires magnitude as well as direction to define completely are known as vector quantities. For example, displacement, velocity, acceleration, force. All these are vector quantity. ठीक है बेटा? Okay sir. Scalar quantity कौन सी होती है? Which only needs magnitude. हाँ, which only requires magnitude only to define completely. ठीक है ना? The quantity which requires magnitude only to define completely. ठीक है बेटा? Unknown is scalar quantity. For example, mass
टाइम है ना, डिस्टेंस ठीक है, स्पीड, ऑल दीज आर स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रही है बेटा? यहाँ पे ना कई बच्चों को ना इस बात में दिक्कत रहती है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, पहली बार नाम सुनते हैं। चलो ठीक है सर, डायरेक्शन तो हमें समझ में आती है कि उंगली करके दिखा देते हैं कि बेटा ये वाले डायरेक्शन, ये वाले डायरेक्शन है ना। ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है वैल्यू, ठीक है ना, किसी की कितनी वैल्यू है। जैसे आपका मास 55 केजी है, तो ये 55 है ना, ये आपके मास का मैग्नीट्यूड है। समझ में आ रही है बात? ओके सर। आज मैं दो घंटे पढ़ा, ये 2 आवर्स जो है ना, ये टाइम का मैग्नीट्यूड है। समझ आ रही है? मैं 5 किलोमीटर चला, तो ये आपके डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है 5 किलोमीटर। मैथमेटिकल वैल्यू कितनी है आपकी, ठीक है ना, किसी क्वांटिटी को मैथमेटिकली कितना मेजर किया है, वो उसका मैग्नीट्यूड है। समझ में आ रही है बेटा बात? यस सर। किसी बच्चों को तकलीफ है? नो सर। बात करते हैं, और ये डेफिनेशन है वेक्टर की, ये एक टेम्पररी डेफिनेशन है, ठीक है ना। अभी ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, टेम्पोररी डेफिनेशन। ऐसा क्यों है? अभी मैं आपको बता दूंगा, बाद में चेंज होगा, मतलब अच्छे से वेक्टर डिफरेंट और एस्पेक्ट्स और वेक्टर डिफाइन करने के लिए, वेक्टर को डिफाइन करने के लिए एक चीज और है, ठीक है ना, वो इसके साथ ऐड हो जाएगा ना, तब ये डेफिनेशन कंप्लीट डेफिनेशन होगी। लेकिन वो मैं अभी यहां पे बोल नहीं रहा हूं, बिकॉज़ वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वेक्टर में जब मैं वो पढ़ा दूंगा, तब इसकी पूरी डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि एक चीज ऐसी है जो ये डेफिनेशन तो फॉलो करती है, परंतु वो वेक्टर नहीं है। बताओ कौन? इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं होता। लेकिन अपन एक वायर में बोलते हैं कि 5 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर दूसरी वायर में 2 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी बोल रहे हैं, डायरेक्शन भी बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वेक्टर नहीं है, क्योंकि ये उस चीज को फॉलो नहीं करता जो मैं एक डेफिनेशन और यहाँ पे बताने वाला हूँ, एक लाइन और ऐड करने वाला हूँ। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। बट अभी के लिए अपन इसी डेफिनेशन को लेके चलते हैं, ठीक है, वो इसी से पढ़ेंगे। और आपकी आवाज चली गई फिर से, अभी आ रही है? Am I audible now? Hello? Sir. Am I audible? मैं ये बता रहा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है कि एक वायर के अंदर 5 एम्पियर करंट है, तो मैग्नीट्यूड भी है उसका, वो डायरेक्शन भी बोलते हैं कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ए से बी की तरफ, ठीक है ना। परंतु इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड भी है, उसकी डायरेक्शन भी है, फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी है। वो स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि मैं आपको अभी बताया ना कि ये एक अधूरी डेफिनेशन है, इसमें एक चीज और जुड़ने वाली है, तो वो जो चीज एक लाइन और जुड़ने वाली है ना, उस लाइन को फॉलो नहीं करता, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ रही है बात? ये कंप्लीट डेफिनेशन है। यस सर। और वो एक लाइन और मैं तब जोड़ूंगा जब मैं वेक्टर के अंदर वो चीज पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी अपन वेक्टर की कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। सबसे पहले कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर, तो सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली एक वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना, एक वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। जितना बड़ा एरो ले रहे हो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा है, मतलब इसकी लेंथ ही इसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। समझ में आ रही है बात? यस सर। इसकी लेंथ ही इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और जिस डायरेक्शन में एरो पॉइंट कर रहा है वो वेक्टर की डायरेक्शन है, तो ये हेड हो गया और ये टेल हो गया। समझ में आ रही है बात? तो ये वेक्टर के दो एंड है, इस एरो के दो एंड है,
एक वो एंड है जहां पे एरो लगा हुआ है, तो उस एंड को, उस एंड पॉइंट को अपन हेड ऑफ द वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हेड ऑफ द वेक्टर। और जो दूसरा एंड है जहां पे एरो नहीं लगा हुआ है उसको टेल ऑफ द वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। और जिस डायरेक्शन में एरो पॉइंट करता है वही डायरेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन होती है, और जितना ज्यादा लेंथ का एरो होगा उतना ही ज्यादा वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। किसी बच्चे को दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। ठीक है, अगर मैं इसकी हाफ लेंथ का एरो बनाता हूँ, ठीक है ना, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड अगर 10 है तो इसका मैग्नीट्यूड 5 होगा। समझ में आ रही है बात? तो मैग्नीट्यूड उसका कम हो गया, डायरेक्शन वही है। दूसरा मैं बोलता हूँ सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबोलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर को? तो कोई भी वेक्टर, ए वेक्टर, कोई भी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी ए, अगर वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर अपन एक छोटा सा एरो लगा के शो करेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ रही है बात? यदि कोई भी अल्फाबेट के ऊपर अगर आपने एरो लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि वो अल्फाबेट किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रही है बात? जैसे इस एल के ऊपर मैंने एरो इस एल के ऊपर एरो नहीं लगाया, इसका मतलब ये केवल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और लेंथ एक स्केलर है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये केवल मैग्नीट्यूड yes, कर रहा है। अगर मैं यहीं पे अगर इसके ऊपर वेक्टर लगा देता एल एल और इस तरीके से एरो लगा देता, मतलब ये कोई ना कोई वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. जैसे मैं ये बोलूं कि वेलोसिटी वेक्टर, तो अगर मैंने ये बोल दिया कि वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर का क्या मतलब है पता? इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? वी के ऊपर एरो लगा के। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज वी, इस तरीके से वी वेक्टर। एक्सेलरेशन वेक्टर, तो इसको भी मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? ए वेक्टर, ए के ऊपर एरो लगा। अब यहाँ की जो एरो है वो डायरेक्शन नहीं है, ध्यान रखना, ये बस ये बता रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई भी अल्फाबेट के ऊपर एरो लगाने का मतलब ये है कि वो अल्फाबेट कोई ना कोई वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। आगे चलते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं वेक्टर के बारे में। सबसे पहला सर, लास्ट पेज दिखा सकते हो आप? हाँ ये लो। यस सर। हाँ बेटा, सभी बच्चों को समझ में आया ना? कोई ऐसा बच्चा जिसको yes, समझ में आ रहा है? तो यदि कोई वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है, तो एक वेक्टर तब तक चेंज नहीं होता जब तक उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज ना किया जाए। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे लिख रहा है ना तो डायरेक्शन में चेंज होना चाहिए ना ही मैग्नीट्यूड में चेंज होना चाहिए, दोनों में से कोई भी चीज में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी चीज को आपने चेंज कर दिया ना, या तो डायरेक्शन बदल दी या फिर उसका मैग्नीट्यूड को कम ज्यादा कर दिया, इसका मतलब वेक्टर सेम नहीं रहा, वेक्टर बदल चुका है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो यहाँ पे लिख रहा है ना, वेक्टर डज नॉट चेंज until or unless either its magnitude until or unless its magnitude or direction is changed. ठीक है ना, direction is changed. यदि कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज ना किया जाए तो वेक्टर चेंज नहीं होता। लेट अस सपोज ये एक ए वेक्टर है और इसको शिफ्ट करता हूं, शिफ्ट करके यहां रख दिया, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंथ भी उतनी ही और डायरेक्शन भी वही है, तो ये ए वेक्टर ही रहेगा। मतलब एक वेक्टर को डिस्प्लेस करके मैं कहीं भी रख सकता हूँ, बस बेशर्त ये है कि ना तो उसका लेंथ चेंज होना चाहिए ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो ये ए वेक्टर का ए वेक्टर ही रहेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट
or we can say that a vector can be displaced parallel to itself. समझ में आ रही है बात? तो एक वेक्टर को अगर उसके पैरेलल ही डिस्प्लेस करता हूं तो वो वेक्टर चेंज नहीं होता है। अरे आप लोगों को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। दूसरी बात, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कोई भी वेक्टर बनाऊ इसी डायरेक्शन का तो सब ए वेक्टर ही है। ठीक है, एक बात हो, अगर कोई दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है ना, ए वेक्टर की लेंथ और बी वेक्टर की लेंथ दोनों की सेम, डायरेक्शन भी सेम है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर के तभी बराबर होगा। ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दूसरी बात ये, डायरेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ बी, ए एंड डायरेक्शन ऑफ बी इज सेम। समझ में आ रही है बात? और तीसरी बात, ए एंड बी शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मस्ट रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि ए तो आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लिया और B वेलोसिटी वेक्टर ले लिया, A का भी मैग्नीट्यूड 5 है, वेलोसिटी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 5 है, A का भी डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन सेम है, वेलोसिटी का भी डायरेक्शन वही है, तो वेलोसिटी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के इक्वल नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात? ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने चाहिए। आया ना? यस सर। सेम फिजिकल, यस सर। किसी बच्चों को तकलीफ है? नो सर। सर सर फर्स्ट पॉइंट का सेकंड स्टेटमेंट नहीं समझा, तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए ना। फर्स्ट पॉइंट का सेकंड स्टेटमेंट ये है कि आपने ये बोला कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो अगर ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को मैंने शिफ्ट करके यहाँ रख दिया, मतलब केवल पोजिशन चेंज की है, पहले इसकी पोजिशन यहाँ थी अब पोजिशन यहाँ है, पोजीशन चेंज किया ना, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज किया, लेंथ में चेंज किया क्या? नहीं किया। डायरेक्शन में चेंज किया क्या? नहीं किया। तो हमारा दोनों वेक्टर सेम रहेगा। सही बात है, गलत बात? ये भी ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर एक वेक्टर को उसी के पैरेलल शिफ्ट करके कहीं भी रख देते हैं, यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, बस उसके पैरेलल रहना चाहिए, तो वेक्टर सेम रहेगा। तो वी कैन से दैट ए वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। समझ में आ रही है बात? मतलब पोजीशन चेंज होगा तो भी चलेगा, पोजीशन चेंज होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।